जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग इस वीडियो को मोबाइल पर देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कंप्यूटर पर देख रहे होंगे। कंप्यूटर के बारे में हम सभी जानते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप जिसमें हार्ड डिस्क होती है, रैम होती है, प्रोसेसर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, सुपर कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, कितनी रैम होती है, कितना हार्ड डिस्क होता है, आखिर क्या होता है उसके अंदर। नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर आज मैं बात करूंगा सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, उसमें कितनी जीबी की रैम होती है, क्या हार्ड डिस्क होता है, उसके काम क्या होते हैं, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। सुपर कंप्यूटर यानी कि एक ऐसी मशीन जो बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन भी सेकेंड के लाखवें हिस्से में कर ले। किसी भी कंप्यूटर को इस काबिलियत के आधार पर सुपर कहा जाता है कि वह कितना बड़ा कैलकुलेशन कितनी जल्दी कर लेता है। सुपर कंप्यूटर की गति की गणना फ्लॉप्स यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड में की जाती है। साधारण कंप्यूटर की कार्य की गणना MIPS यानी कि मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में की जाती है। आधुनिक युग के सुपर कंप्यूटर में हजारों प्रोसेसर होते हैं जो प्रति सेकंड अरबों और ट्रिलियन गणना करने में सक्षम होते हैं। सुपर कंप्यूटर समांतर प्रसंस्करण यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग के आधार पर काम करते हैं। प्रत्येक काम को कई भागों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक माइक्रोप्रोसेसर हर भाग में दिए गए कार्य को करता है। नए जमाने में सुपर कंप्यूटर में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मैन्युफैक्चरर अपनी जरूरत के हिसाब से ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज भी कर लेते हैं। लिनक्स के अलावा बुलक्स SCS, सू सेंट OS और क्रे लिनक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता है। सुपर कंप्यूटर की जरूरत वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रयोगों जिनमें बहुत ज्यादा डेटाबेस और हाई लेवल के कैलकुलेशन की गणना की जाती है के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ सुपर कंप्यूटर से लिया जाने वाला काम भी बदल गया है। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज, शक्तिशाली और महंगे होते हैं, इसीलिए इसका उपयोग वहीं पर किया जाता है जहां पर बहुत बड़ा और तेजी से कैलकुलेशन करना होता है। इसके अलावा स्पेशल ऑपरेशंस में भी इसकी जरूरत पड़ती है। सुपर कंप्यूटर को खास तौर से जलवायु अनुसंधान, मौसम की भविष्यवाणी, तेल और गैस की खोज, शारीरिक सिमुलेशन, आणविक मॉडलिंग, क्वांटम यांत्रिकी, एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु ऊर्जा अनुसंधान, तरल गतिशील गणना, कोड ब्रेकिंग, जेनेटिक एनालिसिस जैसे शोधों में की जाती है। सुपर कंप्यूटर की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि यह कितनी फ्लोटिंग पॉइंट पर सेकंड की गति से गणना कर सकता है। सुपर कंप्यूटर जितना तेज होगा वह उतना ही महंगा होगा, इसीलिए सुपर कंप्यूटर को बनाना और इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं होता है। सामान्य सुपर कंप्यूटर लगभग $20,000 में खरीदा जा सकता है, लेकिन बड़े सुपर कंप्यूटर की कीमत $300 मिलियन तक पहुंच जाती है। विश्व के दो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब अमेरिका के हैं। इन दोनों कंप्यूटर के नाम हैं समिट एंड सियरा। ये दोनों IBM टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। समिट को जून 2018 में दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का ताज पहनाया गया था। उसने गणितीय परीक्षण लीनपैक का प्रदर्शन प्रति सेकंड 122.3 पेटाफ्लॉप्स प्रति सेकंड पर किया था। समिट के पहले चीन का सन्वेद ताई हुलाइट विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर था, जिसका अनुमानित मूल्य $273 मिलियन है। कुल मिलाकर सबसे तेज 10 सुपर कंप्यूटरों में 5 अमेरिका से हैं, 2 चीनी हैं, जबकि स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी के पास एक एक है। प्रत्युष का उद्घाटन 8 जनवरी 2018 को केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था और यह पुणे में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM में स्थित है। भारत के सुपर कंप्यूटर की टॉप स्पीड 42.56 फ्लॉप्स पर सेकंड है, जबकि चीन के सुपर कंप्यूटर की टॉप स्पीड 125,436 फ्लॉप्स पर सेकंड है। अगर भारत के सुपर कंप्यूटरों की बात की जाए तो प्रत्युष, मिहिर, इंक C1, सेरिक, आईडेटा फ्लेक्स और परम सीरीज के हैं।
तो ये पूरी जानकारी थी सुपर कंप्यूटर के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। अगर आप कुछ ज़्यादा जानते हैं तो भी लिखिए ताकि दूसरे पढ़ पाएं। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।